संस्कृति से भरपूर प्रयागराज में फिल्म अब दायरा टूटेगा की शूटिंग की जाएगी। इस फिल्म में प्रयागराज के कलाकार अपने अभिनय का जौहर दिखाएंगे, जो कि राजनीति में फैले भ्रष्टाचार, अवैध खनन और समाज में फैले भ्रष्टाचार पर बनी फिल्म है। अब दायरा टूटेगा इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कलाकार नवीन श्रीवास्तव और हीरोइन अनन्या पांडे ने निभाई है। साथ ही साथ फिल्म में सभी कलाकार प्रयागराज से ही हैं। फिल्म के निर्देशक हैं राकेश श्रीवास्तव। फिल्म में बालू माफिया का रोल कर रहे हैं कुमार नारायण, अशोक जौहरी, जयदीप श्रीवास्तव और उनके साथ ही कई कलाकारों ने बखूबी किरदार निभाया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 65 लाख है। बेहद ही कम बजट में बनी ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म की रिलीज से पहले इलाहाबाद के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को भी जानकारी दी गई और शहर के गौतम सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगाई गई है। इसे प्रयागराजवासी इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहानी के बारे में बात करो, इसकी कहानी का ताना बाना इलाहाबाद की, जिसका नया नाम प्रयागराज, उसकी जो सामाजिक, बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक रूप से रिच शहर है प्रयागराज, और बहुत बड़े बड़े लेखकों को हरिवंश राय बच्चन से लेके आपके महादेवी वर्मा और निराला जी की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, और अमिताभ बच्चन जी जैसा जो है सिने कलाकार भी दिया है, सभी को माना है। तो कल्चरली बड़ा रिच शहर है ये, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो कल्चर होगा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी, वो भी बड़ी रिच होगी। तो उसको ही हमने कैप्चर करने के एक मतलब मूल रूप में एक रा फॉर्म में कैप्चर करने की एक मौलिक कोशिश की है। और जहाँ तक कलाकारों की बात करें तो स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका दिया गया, और मुझे भी आप खुद एक स्थानीय कलाकार कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी बेसिकली इलाहाबाद का ही, हमारे डायरेक्टर साहब की मूल निवास इलाहाबाद ही है, मुंबई में भी है लेकिन इलाहाबाद ही कहता हूँ। और बजट यूं तो वैसे काफी कम रहा है बॉम्बे की फिल्मों के मुकाबले, बॉलीवुड के 1 करोड़ का ही है, लेकिन बजट हमारे काम में कहीं आड़े नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें काम करने में कभी बजट को लेकर कोई समस्या। इलाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, उसमें एक बालू माफिया और एक भू माफिया है, और जो आपसी रंजिश होती है इन लोगों के आपस में, वही पूरा दिखाया गया, दर्शाया गया है। और अंत में लाके ये सिस्टम को बत चिताया गया है कि ऐसे लोग जो मजबूरी में आ रहे हैं सब उसमें क्राइम की दुनिया में, उन पर कैसे नकेल कसा जाए, वो अंत में सारे जितने भी मुंडे माफिया हैं उनको समाप्त किया जाता है। वो एक अच्छा मैसेज दिया जाता है कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें कोई करियर नहीं है। इसमें हमने एक बालू माफिया का किरदार निभाया है और बहुत ही शानदार तरीके से मुझको जो रोल दिया उसको पूरा किया। मैंने 3 पिक्चरों में काम कर चुकी हूँ मैं, इंसाफ तो होगा कहाँ हो कहा तो। और थर्ड मूवी मेरी दायरा, दायरा में मेरा एज अ लीड कैरेक्टर था, और दायरा भू माफिया से संबंधित पिक्चर बनी हुई है। इसमें इलाहाबाद के कई कलाकार जुड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है फिल्म? खुशरू बाग, संगम, बम्बई, गोवा। कितने कलाकारों ने भाग लिया है? और ये 52 लोग ने इसमें भाग लिया था, और 82 डायलॉग थे इसमें। जो उभरती हुई प्रतिभा है या जो नए बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का, वो भी आगे चल के इसी तरह नाम रोशन करें जैसे अभी मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, उन लोग भी आए। और इस पिक्चर में कितनी अड़चने आती हैं, क्योंकि लड़कियां पहली बार जब क्रेडिट पे आती हैं इस लाइन में तो काफी दिक्कतें होती हैं उनको। भ्रष्टाचार और राजनीति को लेकर भारत में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन किसी शहर के कलाकार कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फिल्म में राज्य के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, और ये फिल्म प्रयागराज के लोगों को खूब पसंद आ रही है। न्यूज के लिए प्रयागराज से पंकज चौधरी की रिपोर्ट।